नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। क्रिकेट के लिए खेल ही उनका सब कुछ होता है, मगर एक ऐसा भी दौर आता है जब उन्हें अपने प्रिय खेल को अलविदा कहना पड़ता है। हालांकि ये फैसला लेना किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होता है। क्रिकेट जगत में कई ऐसे भी महान खिलाड़ी हैं जिन्होंने जब संन्यास लिया तो टीम में खालीपन सा महसूस हुआ। हर किसी के संन्यास लेने का तरीका अलग अलग था। कोई लगातार खराब प्रदर्शन की वजह से, तो कोई बढ़ती उम्र की वजह से, तो कोई फिटनेस की वजह से संन्यास ले चुका है। मगर कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने करियर के टॉप पर रहते हुए संन्यास लेकर लोगों को चौंका दिया। आइए आपको कुछ ऐसे ही क्रिकेटर्स के बारे में बताते हैं जिन्होंने अचानक टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहकर फैंस समेत क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। अनिल कुंबले, साल 2008 में टीम इंडिया के उस वक्त के टेस्ट कप्तान, जिन्होंने चार टेस्ट मैचों की सीरीज के दौरान अचानक से संन्यास का ऐलान कर सभी को चौंका दिया था। इस लेग स्पिनर ने अपने टेस्ट करियर में 619 विकेट हासिल किए। वो भारत की तरफ से सबसे ज्यादा और विश्व में तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। जब संन्यास लिया तो वो शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। शॉन टेट ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट क्रिकेट के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक। साल 2008 में भारत के खिलाफ टेस्ट मैच में शॉन टेट ने एक भी विकेट नहीं लिया। भारत ने शानदार तरीके से यह मुकाबला जीत लिया। इस हार से टेट इतने निराश हुए और आहत हो गए कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को अचानक ही अलविदा कह दिया। ये मैच उनका आखिरी मैच साबित हुआ। रियान हैरिस ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज थे। साल 2015 की एशियज सीरीज के लिए वो शामिल किए गए थे, मगर सीरीज के शुरू होने के एक हफ्ते पहले ही उन्होंने अचानक से संन्यास का ऐलान कर दिया और इसकी वजह उन्होंने घुटने में चोट बताई। हैरिस का संन्यास लेना कंगारू टीम को बहुत बड़ा झटका था उस वक्त, क्योंकि 2013 की एशियज में वो टॉप के गेंदबाज थे और उस वक्त भी वो शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। ग्रीम स्वान इंग्लैंड के दिग्गज ऑफ स्पिनर थे। साल 2013 की एशियज सीरीज के बीच में ही टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया, जिससे क्रिकेट जगत हैरान हो गया। वो उस वक्त शानदार फॉर्म में थे। उन्होंने एशियज का पहला, दूसरा और तीसरा मुकाबला भी खेला था, लेकिन मेलबर्न टेस्ट शुरू होने से ठीक चार दिन पहले ही उन्होंने अचानक से क्रिकेट को अलविदा कह दिया, जिससे सभी हैरान रह गए थे। जोनाथन ट्रॉट, अपने पहले ही टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले इंग्लैंड के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज जोनाथन ट्रॉट ने 2009 में अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत की और बहुत ही शानदार बल्लेबाज थे। वन डाउन पर खेलते थे और कहा जाता था कि ये ऐसे प्लेयर हैं जो कि आने वाले वक्त में बहुत नाम कमाएंगे। लेकिन खेल के तनाव और दबाव के आगे इस प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने सिर्फ 6 साल में ही क्रिकेट को अलविदा कह दिया। और सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि चलते मैच में उन्होंने यह ऐलान कर दिया था कि अब वो आगे क्रिकेट नहीं खेले। MS धोनी, पहले अचानक कप्तानी छोड़ी और फिर साल 2014 की टेस्ट सीरीज खत्म होते होते टेस्ट क्रिकेट को अलविदा भी कह दिया। इस फैसले ने उनके करोड़ों फैंस का दिल तोड़ दिया था। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी ने जिस तरीके से वनडे और T20 क्रिकेट जारी रखी थी, फैंस खुश थे। लेकिन वहां से उन्होंने भी अचानक संन्यास लिया था, जब 15 अगस्त 2020 को उन्होंने ऐलान कर दिया था कि 7:29 से उन्हें रिटायर समझा जाए। तो ये कुछ ऐसे क्रिकेटर्स थे जिन्होंने अचानक संन्यास लेकर अपने फैंस का दिल तोड़ा, तो क्रिकेट जगत में हैरानी भी हुई। बहरहाल आपको ये खबर कैसी लगी, कमेंट करके आप अपनी राय दे सकते हैं। साथ में आप ये भी बता सकते हैं कि आप अचानक लिए गए किस खिलाड़ी के फैसले से बिल्कुल हैरान हो गए थे, या कोई आपका प्रिय खिलाड़ी ऐसा रहा हो जिसने अचानक से संन्यास लेकर आपका दिल तोड़ा।